आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI, PNB और BOB के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आपको आज देखने को मिला एक बढ़िया तेजी के बाद इन स्टॉक्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आज गिरावट आपको बैंकों में क्यों आती हुई देखने को मिली और क्या यहाँ पर इस गिरावट में आपको खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, क्या यहाँ से गिरावट और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशन, मार्केट अपडेट्स मिलती है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज आपको गिरावट क्यों देखने को मिली। तो देखिए, आज HDFC बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से देखिए एक बयान निकल के आया। उन्होंने कहा, देखिए वो प्रेस रिलीज़ किया था उन्होंने, उन्होंने उसमें कहा कि जो सेकंड वेव आई है, जो सेकंड वेव आपको आती हुई देखने को यहाँ पर मिली है, देखिए कोविड की, उसके कारण आपको यहाँ पे हमारे जो बैंक्स हैं उनका जो NPA होता है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही देखिए उन्होंने वो NPA की बात कर दी, यहाँ पे आप समझ जाइए कि गिरावट आपको देखने को मिल गई। बिकॉज देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी बैंक्स के लिए, वो देखिए उसके NPAs होते हैं। और जो NPAs की खबर निकल के आई, उसके कारण देखिए इन सब स्टॉक्स के अंदर आपको आज गिरावट देखने को मिल गई। और उन्होंने कहा कि देखिए NPA में भारी बढ़ोतरी होती हुई आपको देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर सारे बैंक्स जो अगली तिमाही के रिजल्ट्स पेश करेंगे उसमें उसका दबाव आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे ये खबर निकल के आई, यहाँ पे आप देखेंगे आज सारे निफ्टी बैंक और निफ्टी PSU बैंक, इन सब के अंदर दबाव देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ HDFC बैंक के साथ ऐसा नहीं होगा, जो भी उसके साथ बैंक्स है, जो भी देखिए अदर बैंक्स है, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जो देखिए रूरल एरियाज़ थे, उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, लेकिन इस बार जो ग्रामीण एरियाज़ हैं उनके अंदर भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है। और जो बाउंस होते हैं चेक, उसके दोस्तों जो मामले हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी वृद्धि देखने को मिली है। तो इसके कारण देखिए यहाँ पर सारे बैंक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम PNB के स्टॉक के बारे में कि PNB यहाँ से क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे PNB ने आज कोई खास इतनी गिरावट नहीं दिखाई। देखिए 1% की मामूली गिरावट है, आप देखेंगे तेज़ी हुई तो उसके बाद गिरावट थोड़ी बहुत यहाँ पे बन सकती है, और वही आपको देखने को मिला। 39.35 की क्लोजिंग है, 1.45 रुपये देखिए यहाँ पे आपको, सॉरी 0.45 पैसे, 1.13% तक की आपको गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे ऐसे कोई घबराने की तो देखिए बात दिखती नहीं, क्योंकि देखिए जो गिरावट है वो मामूली है, और देखिए इतनी गिरावट आपको क्यों देखने को मिली ऐसा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो खबर निकल के आई उसके कारण देखिए आप स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन PNB के चार्ट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आएगा कि स्टॉक आज कोशिश बढ़िया कर रहा था बढ़ने की। देखिए आज का चार्ट अगर यहाँ पे खोलते हैं तो गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन वो खबर निकल के आती है, उसके बाद देखिए सारे बैंक स्लिप्स कर जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पे स्टॉक एक जगह कंसोलिडेट किया आज 39.25, ये जो आपको लेवल बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। 39.25 एक बहुत बड़ा बेस है। आज देखिए ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे स्टॉक में, ओपनिंग जैसे हुई 40 रुपये 50 पैसे के आसपास, अगर उसको आज एक बार भी स्टॉक क्रॉस कर जाता या फिर यहाँ पे 15 मिनट भी देखिए अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर जाता तो एक बड़ा मूव दे सकता था देखिए यहाँ पे आपको PNB, लेकिन वो हुआ नहीं। वो जैसे ही खबर निकल के आई और देखिए जो आज निफ्टी बैंक स्लिप हुआ उसके कारण देखिए अब गिरावट देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि PNB का अभी भी फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया है, अभी भी देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पे एक महीने का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मोमेंटम है। और दोस्तों, ऐसा अगर मोमेंटम मेंटेन रहता है अभी भी PNB में तो मुझे लगता है कि देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखिए स्टॉक के अंदर अभी भी एक तेज़ी होने के संकेत पूरे हैं। देखिए अगर इतना बढ़ेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप मेरे लगातार वीडियोज़ फॉलो करते तो मैं आपको कहता हूँ कि कंसोलिडेशन और या फिर मामूली प्रॉफिट बुकिंग, इससे घबराना नहीं है। पिछले 5 दिन में देखिए 1 वे भागा है और अब देखिए थोड़ा बहुत स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पर ऐसा कोई की बात नहीं है, स्टॉक देखिए अब फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहां से देखिए जैसे 40 रुपये 50 पैसे को अपसाइड में ये क्रॉस करेगा तो आप समझ लीजिए कि ब्रेकआउट इज कंफर्म और स्टॉक यहां से एक बड़ी तेजी के लिए देखिए तैयार हो जाएगा। PNB में देखिए खास बात यह है
कि देखिए स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद अब फिर से देखिए तेज़ी बन रही है। एक बड़ी गिरावट के बाद देखिए स्टॉक फिर से बढ़ना चालू किया है। पिछले 3 महीने में देखिए आपको यहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, टॉप बनता हुआ देखने को मिला, फिर बॉटम भी देखिए यहाँ पे वापस से स्टॉक ने रीच किया। तो यही देखिए पूरी यहाँ पे कोशिश रही है स्टॉक की, देखिए गिरावट से फिर से बढ़ने की। और आप देखिए हर गिरावट हर तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हर बार देखने को मिला और वही देखिए वापस से कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं, स्टॉक ऐसे फिर से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक जो कल लेवल्स बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको कल ध्यान देना। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्निकल्स पर नज़र डाल देते हैं। तो अगर हम टेक्निकल्स पर नज़र डालते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर स्टॉक के लिए जानना है तो वो देखिए इसकी बाइंग और सेलिंग प्रेशर है। तो बाइंग और सेलिंग में हम देखते हैं आखिरी मिनटों में, तो आखिरी मिनटों में देखिए जो बाइंग है वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। 8 सेल 9 बाय, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन बाइंग हमको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई खास यहाँ पे डरने की बात दिखती नहीं है, न्यूट्रल रहने की सलाह दी जा रही है। तो देखिए कल के लिए क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल जो एक लेवल आपको मेंटेन रखना है वो है दोस्तों 39 का। 39 का बेस अगर मेंटेन रहता है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। 39.25 एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट के ऊपर अगर देखिए स्टॉक रहता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बढ़िया तेज़ी आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर 40 के ऊपर वापस से स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम फॉलो करते तो देखिए मैंने आपको 37 के आसपास सजेस्ट किया था, टारगेट्स मेरे सारे हिट हो चुके हैं, BOB सजेस्ट किया, SBI सजेस्ट कर रखा है। तो आप जस्ट मेंटेन रहिए वहाँ पे। तो देखिए कल के लिए आपको करना क्या है, खरीदारी करके चलना है करंट लेवल्स पे, टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको जो PNB के लिए होगा कल के लिए, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे 40 रुपये से लगाकर 40 रुपये 50 पैसे जाएगा, 40 रुपये 50 पैसे अपसाइड में तोड़ेगा तो 42 रुपीज़ तक जा सकता है, 43 भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस दोस्तों आपको मेंटेन करना है कल के लिए, वो दोस्तों यहाँ पे कल के लिए आपको करना होगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है दोस्तों यहाँ पे 38 का। और अगर थोड़े बहुत मेंटेन करते हैं तो 37 का मेंटेन करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये बात हुई PNB की, अब बात करते हैं यहाँ पे SBI की। तो देखिए SBI ने आज क्लोजिंग बढ़िया दी है। बढ़िया क्यों दी है, क्योंकि देखिए स्टॉक आज प्लस में बंद होता हुआ नज़र आया है, हरे निशान में देखिए यहाँ पे आज स्टॉक ने आपको आज क्लोजिंग दी है। तो ये एक बढ़िया हुआ SBI के साथ, डेफिनेटली कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन आज जो आखिरी के आधे घंटे में या फिर स्पेशली करूँ तो 15 मिनट में जो स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिला मुझे वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। देखिए 412.35 रुपये की क्लोजिंग है, आज का चार्ट यहाँ पे आपके सामने खोल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि देखिए गिरावट के बाद स्टॉक ने जिस तेज़ी से देखिए रिकवरी दिखाई और 414-415 जाने की कोशिश करी है, वो प्राइस एडजस्टमेंट के कारण देखिए आपको 412.35 की क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक खासा बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है और ये मुझे दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब SBI की अगर हम देखिए चर्चा करें तो स्पेशली नंबर्स जो आए वो ब्रिलियंट आए, आउटस्टैंडिंग आए। और SBI में अंदर देखिए जो आपको ब्रोकरेजेस ने आपको यहाँ पे बुलिशनेस बताई है, उन्होंने कहा है कि कंपनी का लगातार देखिए आपको ऐसा बिजनेस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ऑर्डर बुक में आपको जो लोन बुक स्पेशली कहता हूँ जिसको देखिए यहाँ पे उसके अंदर आपको बिल्कुल भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, लोन बुक लगातार बढ़ेगी। और ये जो सेकेंड जो कोविड की वेव आई है उसके कारण आप देखिए कंपनी ने जो लोन की जो ग्रोथ हुई है वो उसमें काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिली है। लेकिन आज वो खबर निकल के आती है HDFC की कि NPS में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उसके कारण देखिए यहाँ पे गिरावट आई। लेकिन आज SBI ने डेफिनेटली बढ़िया तेज़ी दिखाई और आज एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट था 407-408 रुपये उस लेवल से आज रिवर्स हुआ है। तो ये कह सकता हूँ कि SBI के अंदर चार्ट बहुत पॉजिटिव है, कल बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कि देखिए यहाँ से SBI के अंदर आप समझिए कि देखिए दिक्कत कहाँ हो रही थी कि स्टॉक के अंदर अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन देखिए अब वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है जो 400 रुपये का था और अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और देखिए नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक। तो ये बहुत ही बढ़िया देखिए संकेत है SBI के लिए। जिन लोगों ने देखिए पहले से ले रखा है वो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चले, बिकॉज देखिए स्टॉक के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि एक बढ़िया तेज़ी बननी चाहिए। और देखिए जिस तेज़ी से स्टॉक ने आज रिकवरी दिखाई है वो बहुत ही बढ़िया देखिए यहाँ पे मूवमेंट दिखा सकता है कि कल स्टॉक बढ़िया भागता हुआ नजर आएगा। तो कल के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, टेक्निकल्स पे सबसे पहले हम नजर डालेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है देखिए स्टॉक के लिए जानना वो होता है देखिए इसके अंदर बाइंग और सेलिंग प्रेशर। तो अगर हम देखते हैं आखिरी मिनटों में तो देखिए स्टॉक के अंदर अभी भी बाइंग बनी हुई है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे ऑसिलेटर्स बता रहे हैं लेकिन मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो वही है कि देखिए तेज़ी आपको डेफिनेटली कल इंटैक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर देखिए ये बड़ा तो आप समझ लीजिए PSU के अंदर बाहर आ जाएगी, PSU बैंकों के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी बनेगी। तो कल करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आज आपने जो स्टॉक के अंदर सपोर्ट देखा है 408 रुपये का उसको कल को मेंटेन करके चलना है। करंट लेवल्स पे देखिए आपको बाय करना है इसको और टारगेट रखने दोस्तों यहाँ पे आपको SBI के लिए कल होंगे यहाँ से मुझे जो लगता है वो हो सकता है यहाँ पे 418-420 तक के। तो दोस्तों ये बात हो गई SBI के आखिरी स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे 80.85 पे क्लोजिंग दी है, 50 पैसे देखिए स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया, 0.61% तक की गिरावट। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देखेंगे तो आज स्टॉक ने फिर से देखिए रिकवरी दिखाई, जैसे जैसे देखिए वो SBI रिकवर हुआ यहाँ पे भी आपको एक रिकवरी देखने को मिली। अगर आज का चार्ट खोलता हूँ यहाँ पे तो आपको देखने को मिला है कि देखिए स्टॉक ने यहाँ पे बढ़िया
गिरावट के बाद कोशिश करी रिकवरी की, लेकिन कुछ आखिरी के मिनटों में देखिए स्टॉक में फिर थोड़ी सी स्लिपमेंट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज देखिए अपने सपोर्ट पे कायम रहा। सपोर्ट क्या था? वो था 80 रुपये 50 पैसे का। 80 रुपये 50 पैसे के देखिए सपोर्ट जब तक मेंटेन रहा तब तक देखिए स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए यही मौका है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एंट्री लेने का। अब देखिए पिछले 5 दिन के अंदर ये स्टॉक भी देखिए बहुत बढ़िया बढ़ा है, अच्छा खासा आपको देखिए तेज़ी दिखाया, लेकिन स्टॉक वो है कि 82-83 के लेवल्स को क्रॉस अभी तक नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि देखिए जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है वो एक बढ़िया संकेत है और यहाँ पे तेज़ी के काफ़ी ज़्यादा अभी भी मौके बन रहे हैं। जब तक आप समझ लीजिए स्टॉक 80 के नीचे नहीं जाता है तब तक यहाँ पे तेज़ी करने का ही मौका है। यहाँ पे गिरावट का कहीं भी ज़्यादा चांस नहीं है, हल्का फुल्का कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए वही प्रॉफिट बुकिंग के अंदर यहाँ पे आपको खरीदारी का मौका ढूंढना है और तेज़ी करनी है। आप देखिए यहाँ पे 80.85 पे क्लोजिंग दी है, 80.50 के बिलो अभी तक स्टॉक ने ट्रेड नहीं किया है। तो देखिए यही तो मौका है SBI के अंदर एंटर लेने का। तो मुझे लगता है कि देखिए खरीदारी करके चलना चाहिए। करना क्या है आपको कल के लिए, चलिए आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हम टेक्निकल्स पर नजर डालेंगे, तो सबसे ज़्यादा जरूरत है कोई भी स्टॉक के अंदर जानना वो होते हैं उसके टेक्निकल्स। तो हम देखते हैं आखिरी मिनटों में, तो आखिरी मिनटों के अंदर अभी भी आप देखिए स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर फॉर्म है। तो यहाँ पे गिरावट तो अभी आपको देखने को मिली तो, लेकिन सेलिंग प्रेशर भी अभी फॉर्म, बाइंग इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है। तो कल के लिए देखिए लोअर साइड में कहाँ तक गिर सकता है ये भी आपको बताता हूँ। तो देखिए करंट लेवल्स में मेरी खरीदारी की सलाह है, जब तक देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 80 के ऊपर मेंटेन है तब तक मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करके चलना है वो 80.50 का करना है, ताकि देखिए रिस्क और रिवॉर्ड हमारे फेवर में आए। और जो आपको टारगेट रखना है दोस्तों यहाँ पे कल के लिए रखना होगा यहाँ पे 82 रुपीज़ तक का। अगर कल SBI बढ़ता है या फिर मार्केट में थोड़ी बहुत भी तेज़ी होती तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी, ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।